अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं 10th केमिस्ट्री की स्कीम, ठीक है, 2023 की आल पंजाब बोर्ड की स्कीम डिस्कस करने लगी हूँ। इसके अलावा जितने भी बाकी स्कीम हैं वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दी हैं, उसकी जो लिंक हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यहीं से आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँगी, ठीक है। उसके बारे में बता देती हूँ, पंजाब बोर्ड में कौन कौन से सिटीज़ आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे अक्सर कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि मतलब ये सिटी कौन सा है या इस सिटी में ये स्कीम आ सकती है कि नहीं। तो ठीक है, डिटेल में मैं पहले ये बता दूँ आपको कि इसमें आ जाता है बच्चे लाहौर, सरगोधा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, डेरा गाजी खां, फैसलबाद, गुजरांवाला, तो ये सभी सिटीज़ जो आल पंजाब बोर्ड में आते हैं। इसके अलावा पंजाब बोर्ड में मतलब जितने भी बोर्ड हैं ना उन सब की ये स्कीम है, ठीक है, पंजाब बोर्ड में जितनी भी सिटीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हम इस तरह करते हैं, पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिटेल से आपको पेपर बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बच्चे मार्क्स टोटल बता दूँ, टोटल आपके मार्क्स होंगे 60, ठीक है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें 20 मिनट होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, और 15 मार्क्स आपके, आपको पता है कि 75 टोटल मार्क्स होते हैं लेकिन 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में जाते हैं, तो जो आपने यहाँ पर पेपर देना है वो आपका 60 मार्क्स का होगा। अब हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी मैं चैप्टर वाइज आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चे आपका एमसीक्यूज़ का होगा, 12 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे और 12 ही आपने सॉल्व करने, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन के होंगे, ठीक है, उसमें 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखने हैं, ठीक है, मतलब सॉल्व करने हैं। 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन की चॉइस होगी, समझें कि आपकी जो बुक है उसको उन्होंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि 10-10 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के जो एक क्वेश्चन है वो आपका एक 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 का है, 3 भी, 4 भी, समझें कि अगर आपने पूरी बुक का शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपने 30 मार्क्स का पेपर तैयार कर लिया है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और यानी कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन की चॉइस होगी, ठीक है। और जो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसमें भी इस तरह होगा कि ए पार्ट और बी पार्ट, यानी कि एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, ए और बी पार्ट, ये आपको वैसे भी 9th में भी पता है, आपने पेपर एक बार दे दिए हमें, सेम पैटर्न आपका 10th में होगा। उसके बाद एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, तो बच्चे चैप्टर नंबर 9 में से आपको 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 10 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, 11 और 12 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज़ आएगा, 13 में से फिर 2, ठीक है, 14 में से एक आएगा, 15 में 2, 16 में एक, यानी कि आपको पूरी बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने सॉल्व तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें बच्चे आपको चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 का पेयर बन रहा है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 9 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से 4 आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 2 आएंगे, टोटल आपके 8 हो जाते हैं जिसमें आपने 5 करने हैं, 3 की आपको चॉइस मिलेगी और एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी चैप्टर नंबर 10, 12 और 16 का पेयर बन रहा है, 10 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 12 में से 2 आएंगे, 16 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आपके 8 हो जाते हैं जिसमें से आपने 5 करने हैं और 3 की आपको चॉइस है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 का पेयर बन रहा है जिसमें 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये तो आपको पता ही है कि 5 आनी है और 3 की चॉइस होनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का पेयर बन रहा है, यानी कि 5 का ए और बी पेयर बन रहा है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 15 का पेयर बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 का पेयर बन रहा है। तो ये याद रखना है कि जिसका ए पार्ट करना है उसी का बी पार्ट करना है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व कर रहे हो तो आपको चैप्टर नंबर 9, 13, 10 और 15 इन 4 की तैयारी करनी होगी। आप यानी कि कहने का मतलब ये कि जिसका ए पार्ट करना है उसी का बी, ये ना सोचो कि आप इस क्वेश्चन का ए ले लें, चलो दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट ले लें और सॉल्व कर लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया, जो से 2 चैप्टर अच्छे लगे उसको वो 2 आप तैयार कर लीजिएगा, मतलब सॉरी 4 अच्छे लगे वो कर लीजिएगा, 2 चैप्टर आपकी चॉइस में निकलेंगे। और पेपर पैटर्न से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक्स्ट्रा जो मेहनत है वो नहीं करते हो, हाँ जी जहाँ पे आपकी मेहनत लगनी चाहिए वही वहीं पे आप लगा रहे होते हो। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं, स्कीम हैं और नोट्स हैं वो आप लोग तक आते रहें, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अभी तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।